Hello friends, so from today onwards we are going to start our history subject and जैसे कि आप लोगों को पता है जब इस साल या दो साल पहले सिलेबस चेंज हुआ तो हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की गई बाल भारती की तरफ से और इस सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे हिस्ट्री हमारे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल है, कैसे हम लोग उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसका हम लोगों को फायदा आगे हो सकता है, क्योंकि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता है कि हिस्ट्री का हमको आगे क्या फायदा। तो इस साल जो आपको हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक में देखने को मिलेगा वो ये कि कैसे हम लोग हिस्ट्री को प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। आगे उसमें बढ़ने से पहले ये भी जानना जरूरी है कि हिस्ट्री लिखने का प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ, कैसे इसके ऊपर डिटेल में वर्क किया गया। तो आइए हम लोग फर्स्ट टॉपिक में यही देखते हैं। जैसे कि आप नाम देख सकते हैं, हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, वेस्टर्न कंट्रीज में हिस्ट्री को किस तरह से लिखा गया है, क्या उसका प्रोसेस था, ये हम लोग इस टॉपिक में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हिस्टोरियोग्राफी का बेसिक मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। अब बात आती है कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों हम लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, क्यों हम लोग अपने हिस्ट्री को जानना चाहते हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन वो ये है कि हम लोग अपने पास्ट इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझना चाहते हैं कि कब कौन सी चीज हुई, किस तरह से हुई। सो हम जो बोलते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स, तो हिस्टोरिकल रिसर्च का काम ये होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड हिस्टोरिकल रिसर्च ये कंटिन्यूस प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसर्च बोला मतलब तुरंत हम लोगों के दिमाग में ख्याल आते हैं कि लेबोरेटरी या फिजिकल रिसर्च। तो हम लोग जब बात करते हैं साइंस की तो नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस ये ऐसे साइंसेज हैं जिनको हम लोग लेबोरेटरी के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझ सकते हैं। पर आगे हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करते हैं कौन कौन से ऐसे डिसिप्लिन है जो हिस्टोरिकल रिसर्च में हेल्प करते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे नाम आर्कियोलॉजी, जैसे कि आपको पता है जब हम लोग कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो खुदाई की जाती है अलग अलग जगहों पर। तो ये जो चीजें होती है खुदाई करना, वेरीफाई करना, उसके डिटेल्स निकालना, दैट इज आर्कियोलॉजी। आर्काइवल साइंस, आर्काइवल साइंस यानी डिटेल्स को, डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली स्टोर करके रखना और वो डॉक्यूमेंट्स को टाइम टू टाइम यूटिलाइज करना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। तो पास्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स लिखे गए थे उसको प्रॉपरली एनालाइज करना, उस पर रिसर्च करना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। एपिग्राफी, एपिग्राफी यानी स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मतलब होता है जो चीजें दीवारों पे, पत्थरों पे लिखी गई, रॉक्स पे लिखी गई, उन चीजों को। तो उसके थ्रू भी हम लोग काफी सारी चीजें हिस्ट्री के बारे में या हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट लिंग्विस्टिक्स, स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस बहुत जरूरी है। लेटरिंग स्टाइल, तो लेटर किस स्टाइल में लिखा गया, क्या उसकी स्क्रिप्ट थी, किस वे में लिखा गया, उसके पीछे का इंटेंशन क्या था, क्या लेटर यूज किए गए, क्या पेपर यूज किए गए, ये सब चीजों को जब हम एनालाइज करते हैं दैट कम्स अंडर लेटरिंग स्टाइल। न्यूमिस्मेटिक्स यानी स्टडी ऑफ कॉइन्स, उस जमाने के कॉइन्स किस तरह से बनाए जाते थे, उस पर क्या इंस्क्रिप्शन रहते थे, क्या डिजाइन रहते थे, क्या मटेरियल यूज होता था, ये सब चीज है। जीनियोलॉजी, स्टडी ऑफ लीनियज, जनरेशन, हमारे पूर्वज कौन थे, इन चीजों को जब हम लोग अच्छे से स्टडी करते हैं तो हम लोगों को प्रॉपरली हिस्ट्री के रिगार्डिंग मटेरियल मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सभी अलग अलग डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिस्टोरिकल रिसर्च में। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फोकस करेंगे कि इसका ट्रेडिशन कहाँ से शुरू हुआ और कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट रोल्स है या इसमें जो अलग अलग कंसेप्ट वो हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। हिस्टोरियोग्राफी, जब हम लोग हिस्टोरिकल एविडेंस, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स को लिखने की कोशिश करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। तो सिंपल सेंस में द प्रोसेस ऑफ राइटिंग हिस्ट्री इज हिस्टोरियोग्राफी। अब जो पर्सन हिस्ट्री लिखने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोरियन। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, हु राइट्स द नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियन। अब अगर आगे हम लोग बात करें, हिस्टोरियन के सामने एक बहुत बड़ा सागर है। सागर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इतने सारे पास्ट इवेंट्स हैं
कि हर एक चीज को उसके लिए इंक्लूड कर पाना बहुत मुश्किल है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, आप अलग अलग मूवीज देखते हैं, अब वो मूवीज के जो डायरेक्टर्स होते हैं, अब फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं रोहित शेट्टी, उसकी मूवीज आप देखिए, कॉमेडी से भरपूर, मसाला मूवी, एक्शंस। क्या रोहित शेट्टी हिस्टोरिकल मूवी से रिलेट कर सकते हैं? नहीं, उसने अपना एक फील्ड सिलेक्ट कर लिया, मसाला मूवी। संजय लीला भंसाली जो मूवीज बनाता है ग्रैंड स्केल और ज्यादातर हिस्ट्री पे बेस्ड होती है, तो ये उसका पोर्टफोलियो, ये उसका एक जॉनर है जो उसने सिलेक्ट कर लिया है। सेम चीज हिस्टोरियंस के साथ होती है, वो जिस चीज में इंटरेस्टेड है या जिस फ्रेमवर्क के अंदर रह के वो अपने नैरेटिव्स को बताना चाहते हैं वो उसी को कंसिडर करते हैं। तो हो सकता है बहुत अलग अलग चीजों से रिलेटेड पास्ट इवेंट्स हुए होंगे, लेकिन हिस्टोरियंस अपने हिसाब से, अपने अप्रोच के हिसाब से चीजों को सिलेक्ट करते हैं। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय हिस्टोरियंस डिपेंड्स ऑन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो उनका नजरिया क्या है, वो किस चीज में इंटरेस्टेड है, इन इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हिस्टोरियंस किसके ऊपर नैरेटिव्स लिखना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरियोग्राफी ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन उस वक्त जो लोग रहते थे, जो सोसाइटीज एग्जिस्ट करती थी, उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि वो भी अपने पूर्वजों के बारे में या उनके वक्त जो भी चीजें हुई है, बड़े इवेंट्स हुए होंगे, योद्धा पैदा हुए होंगे, उनके बारे में वो भी आगे आने वाली जनरेशन को बताना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कुछ मीडियम्स यूज किए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, केव पेंटिंग्स, स्टोरी टेलिंग, सॉन्ग्स एंड बैलेट्स। ये उस वक्त उन्होंने यूज किया एज अ मीडियम टू इन्फॉर्म आर जनरेशन, कि हम भी बताना चाहते हैं कि क्या हुआ पास्ट में। तो ये जो हम लोग क्यूरियोसिटी देखते हैं, जो आज भी है कि पास्ट में क्या हुआ था जानने की, ये पहले भी थी, बट उस वक्त मीडियम अलग थे, आज उसके मीडियम अलग है। अगर हम लोग कोशिश करें आज की हिस्टोरियोग्राफी को समझने की, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो चार कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके बारे में हम अब बात करेंगे। पहला, हिस्टोरियोग्राफी आज जिस हिसाब से होती है उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो है साइंटिफिक प्रिंसिपल। हम लोग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं आज हिस्टोरिकल रिसर्च करने के लिए। नंबर 2, जो क्वेश्चंस होते हैं रिसर्च करते वक्त वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होते हैं। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब होता है डीड्स विच आर डन बाय द ह्यूमंस। तो जो भी हमने कारनामे किए हैं पहले के जमाने में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। थर्ड, ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स रिलायबल एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है, एक तो क्वेश्चंस ह्यूमन नीड से रिलेटेड, दूसरे उसके आंसर्स रिलायबल सोर्सेज, रिलायबल एविडेंसेस के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। और इसमें अगर हम लोग बात करें, चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो ये, हिस्ट्री ये एक जर्नी है या एक ग्राफ हमको बताता है मैनकाइंड जर्नी का, कि कहां से हमारी शुरुआत हुई। जैसे कि हमको पता है स्टोन एज मैन से लेके आज इतने सालों में जो इवोल्यूशन हुआ है, जो हमारी जर्नी है, उसके बारे में बताने का काम हिस्टोरियोग्राफी करता है। तो ये चार इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के रिगार्डिंग देख सकते हैं। एक लास्ट चीज मैं इसके रिगार्डिंग बोलना चाहूंगा, हिस्ट्री ये जो टर्म है ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया था, और जैसे कि आप सभी को पता है हेरोडोटस, उनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। तो उनकी जो पहली किताब उन्होंने बनाई थी द हिस्ट्रीज, उससे इसकी शुरुआत हुई, और इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रीस से ये हिस्ट्री सब्जेक्ट डेवलप हुआ और आगे चल के कैरी ऑन हुआ।